नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो में जो है हम ये पेपर है बच्चों, ये बीएड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन 2020-2021 का, और ये बीएड थर्ड सेमेस्टर यहाँ बच्चों रूल नंबर, और ये न्यू कोर्स है एजुकेशन, पेपर सेकंड है बच्चों। इसके पहले हमने पहला वीडियो में पेपर फर्स्ट जो है बताए थे किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे बीएड में। ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से संबंधित है, और देखो बच्चों डिस्टेंट एंड ओपन ओपन एजुकेशन, ये दूरस्थ और खुला विश्वविद्यालय, ये जो है शीर्षक है। समय 3 घंटे रहेगा, मैक्सिमम 100 अंक का रहेगा। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे बीएड थर्ड सेमेस्टर में, आइए देखते हैं हम लोग। इसमें खंड आ बा और सा 3 खंडों में विभाजित है। सबसे पहले बच्चों अति लघुत्तरी क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से जो है अति लघुत्तरी क्वेश्चन आए थे, देखते हैं हम लोग। इधर देखिए, एक प्रश्न संख्या एक के सभी भागों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में जो है दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। पहला क्वेश्चन है, ए है शिक्षा के उदाहरण स्पष्ट कीजिए, बी है सभी क्वेश्चन करना, नी विद्यालयी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, मुक्त शिक्षा के महत्व बताइए, जनसंपर्क माध्यम से आप क्या समझते हैं, स्वाधिगम सामग्रियों का निर्माण क्यों किया जाता है, दूरस्थ प्रशिक्षु से आप क्या समझते हैं। ये सब 5-5 नंबर के अतिलघुत्तरी क्वेश्चन थे। उसके बाद देखो बच्चों और भी है, कंप्यूटर का उपयोग क्या है, शिक्षा मूल्यांकन क्यों आवश्यक है। उसके बाद खंड बा है जो लघुत्तरी क्वेश्चन है, इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का लगभग 3 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है, 2 क्वेश्चन सिर्फ करना है बस लघुत्तरी में। दूसरा है देखो, मुक्त विश्वविद्यालय मूल्यांकन पद्धति का वर्णन कीजिए, मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के मध्य जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद चौथा है, विभिन्न प्रकार के मुद्रित और अमुद्रित मीडिया की विवेचना कीजिए। पांचवा है, भारत में दूरस्थ शिक्षा की वर्तमान स्थिति की विवेचना कीजिए। खंड 7 जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इसमें से देखो इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का लगभग 6 शब्दों दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। मुक्त विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। अगला 7वां है, दूरस्थ शिक्षा के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। स्वाधिगम सामग्री के प्रारूपों की व्याख्या विस्तार में जो है कीजिए। दूरस्थ शिक्षा में विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जो है विवेचना कीजिए।